तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। क्या जिमी जे उसो की फ्यूड होने वाली है एंड क्या रॉक का फ्यूचर होने वाला है WWE के अंदर, तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शाशा बैंक को लेकर। तो भाई क्या शाशा बैंक आपको WWE में देखने को नहीं मिलेंगी? क्या उनका टोटली डन हो चुका है, क्योंकि उनकी पार्टनर नियोमी तो रिटर्न कर गई, क्या शाशा बैंक नहीं आने वाली? तो भाई देख के ऐसे ही लग रहा है, हाल फिलहाल जो हालत है एंड जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, देख के ऐसे ही लग रहा है कि शाशा बैंक अब नहीं आने वाली WWE के अंदर। अब वो टोटली मूव हो चुकी है WWE से एंड वो AEW के अंदर जाने की कोशिश कर सकती हैं। पहले देख के लगता था कि AEW के अंदर नहीं जा सकते, बट अभी जो सिचुएशन है भाई, देख के ऐसे ही लग रहा है कि WWE से वो डन हो चुकी है एंड वो शायद से अब AEW में जा सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी भाई, पहली अपडेट थी, छोटी सी अपडेट थी। आगे बढ़ते हैं हम दूसरी अपडेट को लेकर, जो कि आ रही है बेली को लेकर। तो बेली ने भाई, सबसे पहले तुमको कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्होंने रॉयल रंबल जीता एंड रॉयल रंबल जीतते ही उन्होंने एम किया है रिया रेपली को एंड वो चाहती हैं कि वो रिया रेपली के साथ मैच लड़े। WWE ने यहाँ पे कुछ ट्वीट किया था एंड उसको रिप्लाई करते हुए देती है कि आई बीट एंड वहाँ पर टैग करते हैं रिया रेपली को और उनका रिकॉर्ड तोड़ने की बात यहाँ पर चलती है। तो भाई सीधे उन्होंने एम किया है बेली के ऊपर, सीधे उन्होंने एम किया है रिया रेपली के ऊपर। तो अब भाई क्या WWE समझ सकती है या फिर जो चीज़ें हैं, क्या WWE चाहती हैं कि रिया रेपली वर्सेस बेली के मैच हो? वैसे तो देख के ऐसे ही लग रहा है कि रिया वर्सेस बेली के मैच होने वाली है एट रेसलमेनिया, बट देखते हैं चीज़ें क्या होगी, पता लग ही जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि आ रही है ब्रॉन ब्रेकर को लेकर। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर अब क्या WWE के अंदर टोटली मेन रोस्टर में आ चुके हैं? तो इसका आंसर है यस, जी हाँ, बिल्कुल आ चुके हैं। रॉयल रंबल में जैसे उन्होंने रिटर्न किया, उन्होंने सबसे पहली बात तो भाई सबसे बड़े प्लेयर का, सबसे बड़े सुपरस्टार का रिप्लेसमेंट थे वो, एंड किसके रिप्लेसमेंट थे भाई? वो ब्रॉक लेसनर के रिप्लेसमेंट थे। यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं। अब जो अपडेट है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके बाद वीडियो आ जाएगी, उसके अंदर आप देख लेना कि आखिर एक्चुअल में सीन क्या है, क्या चीज़ें हैं कि ब्रॉक लेसनर को इनको रिप्लेस करना पड़ गया, वो मैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो में बना दूंगा, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर लेना। तो बट हम बात कर रहे हैं कि ब्रॉन ब्रेकर मेन रोस्टर में आ रहे हैं या फिर नहीं। तो भाई उनका रॉयल रंबल के बाद इंटरव्यू होता है जहाँ पर उन्होंने कहते हैं कि अब तो NXT में बहुत हो गया, अब मैं मेन रोस्टर में आ रहा हूँ, एंड देख के ऐसे ही लग रहा है कि भाई मेन रोस्टर में इनका आना पक्का हो चुका है, यानी कि कल आपको मंडे नाइट रॉ में वो देखने को मिल ही जाएंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, बट या तो मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन में, दोनों में से कहीं एक वहाँ पे वो जाएंगे ब्रॉन ब्रेकर एंड उनका जो है मेन रोस्टर में रिटर्न एंड मेन रोस्टर में डिब्यूट होने जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो क्या रही है जिमी एंड जे उसो को लेकर। जिमी एंड जे उसो क्या भाई इनकी फ्यूड होने वाली है? तो भाई जिस तरीके से रॉयल रंबल में फेस ऑफ हुआ है, कोई भी कह सकता है कि हाँ इनकी फ्यूड होने वाली है, कोई भी कह सकता है कि इनकी फ्यूड होने वाली है, एंड गेस व्हाट, एंड एक्चुअल में इनकी फ्यूड होने वाली है भाई, फेस ऑफ होने वाला है जहाँ पे ये दोनों लोग अपने ब्रांड को स्विच करेंगे। जी हाँ, या तो जिमी उसो रॉ से स्मैकडाउन आ जाएंगे या फिर या तो जे उसो रॉ से स्मैकडाउन आ जाएंगे या फिर जिमी उसो स्मैकडाउन से रॉ में चले जाएंगे। अब रॉ और स्मैकडाउन दोनों में से कहीं एक चीज़ होने वाली है। देखो जे उसो और जिमी उसो की फ्यूड पक्की है, शायद से ये रेसलमेनिया के लिए पकाने वाले हैं सब चीज़ें। बट भाई जब ये स्टार्टिंग हुई थी, फेस ऑफ हुआ था, गूज बम्स आ गए थे कि भाई एक्चुअल में होगा क्या अभी, एंड एक्चुअल में WWE इसको बिल्डअप करने वाली है बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरती तरीके से बिल्डअप होने वाला है, अच्छी तरीके से बिल्डअप होने वाला है। तो आई एम रियली एक्साइटेड, आप एक्साइटेड हो या नहीं ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि ये मैच बहुत बहुत अमेजिंग होने वाली है। बात करते हैं आखिरी अपडेट को लेकर, आखिरी अपडेट निकल के अपने सामने आती है, वो है रॉक को लेकर, इनका फ्यूचर प्लान को लेकर। तो भाई देखो रॉक जब भी आते हैं ना भाई, कुछ ना कुछ हिंट दे के जाते थे एंड कभी कभी आते थे तो भाई मोड ऑफ करके जाते थे कि भाई आ गए, आज आ गए, और इसके बाद भाई मालूम पड़ रहा है 6-7 महीनों के बाद इनका रिटर्नर। तो ऐसे भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, अब तो इन्होंने 2 बार रिटर्न कर दिया यहाँ पर रॉ में भी एंड स्मैकडाउन में भी, एंड वहाँ पर इन्होंने कॉल आउट भी कर दिया था रोमन को। तो अब देख के लग रहा है कि भाई इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या है, यानी कि भाई एक्चुअल में इनके फ्यूचर प्लान्स रेडी हैं एंड WWE चाहती है कि रोमन वर्सेस रॉक की मैच करवाया जाए, नहीं तो भाई अगर नहीं चाहती तो वो कॉल आउट नहीं करते, राइट, एंड पब्लिकली ऐसे बोलते नहीं कि मैं रोमन को कॉल आउट कर रहा हूँ। एंड अभी यहाँ पर सब कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो इसका मतलब भाई
एक्चुअल में इनके फ्यूचर प्लान्स हैं। कोई बात नहीं, रॉयल रंबल में रॉक नहीं आ पाए एंड कोडी रोड जीत गए, ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकती है एंड या फिर सिंगल्स मैच भी हो सकती है। गेस वॉट, अगर जो दोनों भी होती है तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो भाई यही कुछ आज की अपडेट वीडियो थी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।